सभी को मेरा बहुत धन्यवाद यार। और ये मेरा नया चैप्टर है आइस एंड डिस्टेंस जो फर्स्ट लेक्चर है, और आज ही हम इसमें एक धांसू क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन का नाम राजा रतन सिंह सवाल है, और बहुत अच्छे जैसे राजा की बात हो रही है तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था राजा रतन सिंह सवाल करने वाले हैं हम, और क्वेश्चन से होता डायग्राम दिया जाएगा। और एक चीज और, हम आज इसमें डायग्राम टाइप पे है, आज हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का पहला टाइप है डायग्राम टाइप। और डायग्राम टाइप में आपको डायग्राम दिया रहेगा, सबसे पहले लिखा रहेगा फाइंड ए बी, तो आपको दिख रही है ए बी, ये फाइंड करना है ए बी। तो सबसे पहले एम बना लेंगे अपना कि एम क्या है, और एम ये रहेगा कि सबसे पहले एम बी निकालना है, फिर ए एम निकालना है, और दोनों को ऐड कर देना है। सबसे पहले अपन एम बी निकालेंगे, फिर ए एम निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा एम रहेगा ए बी निकालने का। तो एम बनाना जरूर, एम बनाना अच्छा रहता है क्वेश्चन करने के लिए। तो अपन एम बना चुके हैं। अब इसके पहले मैं आपको एप्टीट्यूड आंसर सिखाऊंगा, एप्टीट्यूड आंसर मतलब क्विक आंसर, तो क्विक माइंडर सिखाऊंगा एक। तो आपको एक स्लोप दिया रहेगा यहां से यहां तक, सी से लेके पॉइंट पी तक का 500 मीटर का। तो ये जो स्लोप दिया है क्विक आंसर इसका रहेगा ए बी इक्वल्स टू 250 + 250 √3 और मीटर्स, बॉक्स आंसर। ये हमारा एक क्विक आंसर है, और क्विक मेथड है, जिससे आप बोर्ड की टीचर है, आईआईटी आईआईटी का क्वेश्चन है ये, और ऑप्शंस दिए रहते हैं उसमें, तो आपको क्विक करना पड़ता है। तो इन सब की ट्रिक रहती है हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन के निकालने की, हर क्वेश्चन हर बड़े क्वेश्चन की एक ट्रिक रहती है। तो ये ट्रिक थी इसकी, अब आपसे आंसर आपको पूरा निकालना, 250 कॉमन ले लीजिएगा, वो तो अपन आखिरी में करेंगे। तो आंसर आपका ये आएगा, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन से पहले आपको आंसर मालूम चल गया, तो अपने लिए बहुत प्रॉफिट में है। अब सबसे पहले अपन वो अपना एम बना आता है कि एम बी निकालना है, फिर ए एम निकालना है, और दोनों को ऐड कर देंगे आखिरी में, तो ए बी आ जाएगा। तो एम बी निकालेंगे, तो आपको ये दिख रहा है कि सब 90 है, और एक ये रेक्टेंगल है, ये जो आपको दिख रहा है एम पी टी बी, ये एक रेक्टेंगल है। तो अपन को पहले पीटी निकाल लेते हैं इसलिए, तो जो पीटी होगा वो एम बी होगा, रीजन आएगा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो पीटी निकालेंगे पहले इस ट्राइंगल से, तो लेंगे एक ट्राइंगल पीटीसी, और एक बात और ध्यान रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में जो निकालना है आप उसको हमेशा ऊपर रखेंगे, जो निकालना है आप उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। मैं आपके लिए रिपीट करूंगा बहुत बार, जो निकालना है आप उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। तो अपन को निकालना क्या, पीटी निकालना है अपॉन, और जो दिया रहेगा हमेशा नीचे आएगा, जो दिया रहेगा वो हमेशा नीचे आएगा, एंगल नहीं साइड क्या दिए 500 मीटर, तो वो नीचे आएगा, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन, और थीटा कितना दिया है इसका, सिर्फ छोटे वाले एंगल का पीटीसी का 30, तो थीटा की जगह आ जाएगा साइन 30 डिग्री। तो पीटी अपॉन 500 इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू रख देंगे, पीटी अपॉन 500 इक्वल टू साइन 30 डिग्री होता है 1/2। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 PT इक्वल टू 500, पीटी इक्वल टू 500/2। तो ये हमारा था, और अब ये एक स्टेप आ चुका है अपना, एक एम आ चुका है, पीटी आ चुकी है, तो अपन लिख लेंगे देयर फोर पीटी इक्वल टू एम बी। इसको काट के आप पूरा लिख दीजिएगा 250 इक्वल टू 250, और एम बी मार्क कर देंगे 250 मीटर्स। अपना एक एम आ चुका है, एम बी आ चुका है अपना, तो 250 मीटर्स लिख के, और रीजन लिख लेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ ऑफ राइट एंगल आर इक्वल। अब जो अपना अगला एम है वो अपन अगले वाले स्टेप में करेंगे। हाँ, तो जैसा कि अपन ने पहले एम निकाल दिया था अपना, एक एम अपना पूरा हो गया था, एम भी आ चुका था 250 मीटर्स का। अब अपन को एम निकालना है, पर अब एम निकालने की अपन को डायरेक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंगल्स की। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों, तो मैं आपको पहले समझाऊंगा, और जो ये जो भी हम वैल्यू निकालेंगे वो रफ कॉलम में करेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर एम बी के लिए कुछ वैल्यू दी रहनी चाहिए, जिसको आप जो निकाल रहे हैं वो ऊपर रखें, और जो दिया रहता है वो नीचे। तो यार इस ट्राइंगल में कुछ दिया ही नहीं है, ये वाले ट्राइंगल में कुछ दिया ही नहीं है, ए एम बी वाले ट्राइंगल में कुछ नहीं दिया हमको। तो सबसे पहले हमको कुछ फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एंगल ए निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। इस बड़े वाले ट्राइंगल में जो आपको बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, तो इसके लिए सबसे पहले एक बड़ा वाला एंगल ही हम निकाल लेंगे।
एंगल ए निकालेंगे तो रफ कॉलम में निकालेंगे, तो लिखेंगे रफ कॉलम में इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस ये वाला, ये 90 डिग्री दिया है एबीसी में बड़ा ट्राइंगल, प्लस 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल सी दिया पूरा 45 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लिख देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस 90 प्लस 45 135 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 35 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो एंगल ए इक्वल्स टू आ जाएगा 45 डिग्री। अपने पास एंगल ए आ चुका है 45 डिग्री, तो अपन मार्क कर देंगे सीधे सीधे एंगल ए 45 डिग्री। अब आपको इतना समझ में आया, अपन ने एंगल ए 45 निकाल लिया, उसके पहले अपन एक और चीज कर सकते थे। सबसे पहले आपने एंगल 45 डिग्री निकाल लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अपन को एक और स्टेप करना था इस ट्राइंगल में, ये 45 एंगल दिया है, ये पूरा 45 दिया है सी, और ये जो 30 डिग्री वाला एंगल दिया, मतलब पूरा नाम देंगे तो पी पी सी डी इक्वल टू 30 डिग्री दिया है और ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री दिया है, तो 45 ये पूरा दिया और इतना सा 30 डिग्री दिया है, तो ये हो जाएगा अगर 45 डिग्री माइनस 30 तो ये वाला एंगल हो जाएगा 15 डिग्री का, ये वाला एंगल हो जाएगा 15 डिग्री का। अब अपने पास जो ए पी ए सी पी जो ए सी पी छोटा सा एंगल आ गया वो 15 डिग्री आ चुका है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कितनी हमको एक बहुत राजा रतन सिंह क्वेश्चन है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अब अपन ये वाला जो ए एम पी ट्राइंगल है, सिर्फ एक साइड निकालिए अपन को, जो ए एम पी ट्राइंगल है उसके लिए अपन को अब एक एंगल ए पता होना चाहिए, तभी तो अपने पास ये छोटा वाला एक एंगल आएगा, अब वो अपन एंगल क्यों निकाल रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, तो वो भी अपन रफ कॉलम में करेंगे, इसी को आज मैं कर देता हूं रफ कॉलम में। ये सब अपन जो कर रहे हैं रफ कॉलम में कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट एंगल निकालने में मैं आपको सोल्यूशन करके बता रहा हूं। तो इन ट्राइंगल ए एम पी, अब जैसा इसमें एंगल सब प्रॉपर्टी लगाई थी इस छोटे वाले में लगा देंगे, 45 डिग्री प्लस ये वाला एंगल एक्स मार्क कर लीजिएगा, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन वही आया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा 150 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, 150 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अपने पास इतना सब कुछ आ चुका है, ये आ चुका अपने पास जो छोटा वाला एंगल जो अपने एक्स मार्क करा था, ये आपको दिख रहा है अपने एक्स मार्क करा था, ये एंगल अपने पास आ चुका है आप 30 डिग्री, तो आप मार्क कर लीजिएगा फिगर में 30 डिग्री, और ये पूरा एंगल ये 45 डिग्री है, जो एंगल एक्स मार्क करा था 30 डिग्री आ चुका है, पूरा एंगल है 45 डिग्री आ चुका है। अब आपको एक चीज जैसा कि अपन ने यहां करा था, ये पूरा 45 है ये इतना सा 30 है, ये पूरा 45 है ये इतना सा 30 है, तो 45 माइनस 30 है ये इतना, ये वाला जो पार्ट है एंगल का ये आ जाएगा 15 डिग्री। पूरा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, इस कारण से क्वेश्चन का नाम है डायग्राम टाइप, दो क्वेश्चन है ऐसे जो आईआईटी में आ चुके हैं, हमारा पहला वाला क्वेश्चन, तो ये भी 15 ये भी 15, और आपको ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसमें दो एंगल 15 आ चुके हैं, मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसको दोनों इक्वल, दोनों जो एंगल है वो इक्वल होते हैं, मतलब दोनों साइड भी इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो ये 500 तो ये भी 500 मार्क कर लीजिएगा, मतलब जो एपी ट्राइंगल जो एपी साइड है वो भी ये भी 500 आ चुकी है। अब अपन को जो सीधा सीधा फेयर में करना है वो अपन करेंगे अगले स्टेप। हाँ, तो अपने पास जैसा आ चुका है एपीसी एसोसिएटेड ट्राइंगल आ चुका है, तो लिख देंगे सिंस ट्राइंगल एपीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है, तो पीसी इक्वल्स टू एपी, आप एक साइड अपने मन की ले सकते हैं, जो अपन को काम की है अपन ने वही साइड के लिए इतना सब कुछ करा है डायग्राम में, पीसी इक्वल्स टू एपी क्या है 500, और रीजन अपने हो चुका है कि एपीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसके आगे अपन को जो निकालना है वो देखेंगे, अब अपन को ए एम निकालना है, अपना सेकेंड एम पूरा करना है, तो इन ट्राइंगल ए एम पी
जो निकालना है वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे, निकालना क्या है एम निकालना है। अब जो दिया 500 यहां पे, जैसे मैंने ब्लू से ब्लू पेन से मार्क करा है, वो लिख लीजिए 500 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है साइन, और थीटा कितना है अपने पास इस एंगल का 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री जो ही दिया हुआ था। अब अपन वैल्यू रखेंगे एम अपॉन 500 इक्वल साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 AM इक्वल्स टू 500 √3, AM इक्वल्स टू 500 √3/2, 500 गाड़ी आएगा 2 से, तो AM इक्वल्स टू 250 √3 मीटर मार्क कर लेंगे 250 √3। अब जैसा कि अपना एम दोनों पूरे हो चुके हैं, अपन सीधे ऐड करना है, तो एम भी आ चुका है एम आ चुका है, उनको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे यहीं पे, तो ए बी इक्वल्स टू एम बी अपने पास आया था 250 प्लस एम आ चुका है 250 प्लस √3, 250 इंटू √3 मीटर्स। तो जैसा कि अपन ने एप्टीट्यूड से भी आंसर निकाल लिया था, अब इसको सिर्फ अपन को आगे सॉल्व करना है, और आप देख सकते हैं एप्टीट्यूड से आंसर भी यही आया था अपना, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे साइड 1000 दिया है, तो आप इसका हाफ कर देंगे, मतलब 500 प्लस 500 √3 मीटर्स आंसर ही आएगा। जो साइड आपको ये स्लोप की दी रहती है आप उसका हाफ कर देंगे तो आंसर वही आएगा, ये तो गारंटी है थी। अब जो आप सीधे इसका आगे सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में। हाँ, तो जैसे कि अपना अगला लास्ट स्टेप यह आया था, एबी की वैल्यू आ चुकी थी एप्टीट्यूड से मिलकर, अब अपन सीधे 250 कॉमन लेते हैं। एबी इक्वल्स जो कॉमन लेते हैं उसमें सर्कल लगा दीजिएगा, बोर्ड के टीचर को देखने में इंप्रेशन अच्छा जाता है। 250 टू बिग ब्रेक स्टार्ट √3 की वैल्यू, यहां पे एक 250 बाहर निकाल लिया तो 1 बचेगा, और √3 की वैल्यू सीधे लिख देना 1.73 ब्रैकेट क्लोज। एबी इक्वल्स टू 250 इंटू 1 प्लस 1.73 2.73 AB इक्वल्स टू 250 इंटू पॉइंट हटा लीजिएगा 0.5 हटा के अपन ने कर लिया है। अब सीधे सीधे अपन को सिर्फ आंसर लाना है और अपन को कैंसिल करना है, तो ये और ये 5 5 से 25 5 2 से 10। अब सीधे सीधे आपको आंसर लिखना है इंटू करके, और जो आंसर आएगा मैं आपको बताता हूं। AB इक्वल्स टू 682.5 मीटर बॉक्स आंसर। तो ये अपना आंसर था, और जैसा कि आपको दिख रहा है बहुत अच्छा आंसर आया है, और ये राजा रतन सिंह सवाल था हमारा, और ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अगले लेक्चर में। एंड थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड मार्क दरोदेगा।